and welcome back to my channel. This is Megha and you're watching Megha's Beauty Land. आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने बहुत सारे पैसे बचा कर बिना किसी टूल एंड किट्स के कैसे घर पे मैनिक्योर कर सकते हैं और अपने हाथों को चमका सकते हैं. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स मूव इन टू द वीडियो. सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट इसी तरीके के अच्छे अच्छे वीडियोज को आप इंजॉय कर सको. लेट इट स्टार्ट द वीडियो. सो द फर्स्ट स्टेप इज क्लीनिंग. तो सबसे पहले हम नेल पेंट को रिमूव करेंगे. अगर आपने कोई भी नेल पेंट लगा रखा है तो उसको रिमूव कर लीजिए. आप कोई भी नेल पेंट रिमूवर लेके अपने नेल पेंट को रिमूव कर सकते हो. मैं यहाँ पर नेल पेंट रिमूवर वाइप्स ले रही हूँ और अपने सारे नेल्स क्लीन कर लूँगी और उनका नेल पेंट रिमूव कर लूँगी. सो द सेकेंड स्टेप इज नेल कटिंग. नेल कटिंग में हमें सिर्फ अपने साइड के नेल्स को कट करना है. साइड के नेल्स को कट करने से फ़ायदा ये होता है कि जो हमारे नेल्स होते हैं जो ब्रेक हो जाते हैं वो साइड से ही ब्रेक होते हैं. तो हमें रेगुलर बेसिस पे अपने नेल्स की जो साइड्स होती हैं उनको कट करते रहना चाहिए जिससे कि हमारे नेल्स अच्छे से ग्रो हो पाएँ और हमारे नेल्स टूटे ना. और मैं यहाँ पर अपने नेल्स की हाइट को भी एडजस्ट कर रही हूँ. कभी कभी हमारा कोई नेल टूट जाता है तो वो छोटा हो जाता है तो वो छोटा बड़ा देखने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं सारे नेल्स की हाइट को एक जैसा कट कर लूँगी. सो द नेक्स्ट स्टेप इज नेल फाइलिंग. अब हम नेल फाइलिंग करेंगे. जनरली नेल्स कट करने के बाद में हमारे नेल्स में शार्प एंड्स आ जाते हैं जो कि हमारे कपड़ों में फंसे रहते हैं और हमारे फेस पे भी लग जाते हैं. तो मैं यहाँ पर नेल फाइलर की हेल्प से अपने नेल्स को फाइल कर लूँगी और एक अच्छा सा शेप दूंगी. मैं यहाँ पर ओवल शेप दे रही हूँ. आपको जो भी शेप अच्छा लगता है, रेक्टेंगुलर या और कोई शेप, तो आप वो भी रख सकते हो. सो अब नेल फाइलिंग एंड नेल कटिंग करने के बाद में हम अपने हैंड्स को डीप क्लीन करेंगे. इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बड़े से बोल में 4 से 5 ग्लास वार्म वाटर लिया हुआ है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट एंड 1 टेबलस्पून ऑफ बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा से हमारे जो भी डार्क स्पॉट्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे से रिमूव होते हैं और ये ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, इसलिए हम इसको इसमें ऐड कर रहे हैं. अब हम इसमें ऐड करेंगे शैम्पू. आपके पास जो भी शैम्पू हो वो आप यूज़ कर सकते हो या फिर आप कोई भी बॉडी वॉश यूज़ कर सकते हो. तो मैं यहाँ पर बायोटिक का बॉडी वॉश 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ. अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और अपने हाथों को 10 से 15 मिनट तक इसमें सोक करके रखेंगे. 5 से 10 मिनट के बाद में हम अपने हाथों को गीला करते रहेंगे जिससे कि हमारे हैंड्स की डेड स्किन फूल जाए और इजली रिमूव हो जाए. अब हम कोई भी लूफा या फिर इस तरीके का ब्रश लेंगे अपने हैंड्स को क्लीन करने के लिए. अब मैं इस ब्रश की हेल्प से अपने हाथों को बहुत ही सॉफ्टली रब करूँगी, फिर अपने नेल्स को भी अच्छे से क्लीन करूँगी जिससे कि सारे नेल्स की गंदगी अच्छे से निकल जाए. आप चाहें तो इसकी जगह पर कोई भी टूथब्रश भी यूज़ कर सकते हैं. सो फॉर द नेक्स्ट स्टेप हम अगेन एक बोल में वॉर्म वाटर लेंगे. मैं ऐड करेंगे 1/2 लेमन. अब हम इस वाटर में अपने हैंड्स को 5 मिनट के लिए सोक करेंगे. अब हम इसी लेमन से अपने नेल्स को फिर से एक बार साफ कर लेंगे जिससे कि हमारे नेल्स में बहुत ही अच्छी सी शाइन आएगी और हमारे नेल्स एकदम डिसइंफेक्ट हो जाएंगे. सो आप देख सकते हो सिर्फ इसी स्टेप को फॉलो करने के बाद में मेरे हाथ कितने ग्लोइंग एंड क्लियर लग रहे हैं. सो इसी तरीके के अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए मेक श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है जिससे कि मैं और ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊँ. सो द नेक्स्ट स्टेप इज स्क्रब. स्क्रब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 टेबलस्पून ऑफ राइस फ्लोर. अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून ऑफ एलोवेरा जेल एंड 1 टेबलस्पून ऑफ रोज वाटर. इन सारी चीजों को मिक्स करने के बाद में हमारा स्क्रब बिल्कुल रेडी है. इस स्क्रब को हम अपने हाथों पे अप्लाई करेंगे और 2 से 3 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करेंगे. 3 मिनट के बाद हम अपने हैंड्स को वॉश कर लेंगे. अब हम एक नेल कटर लेंगे और उसके साइड के फाइलर को निकाल के उससे हम अपने नेल्स के क्यूटिकल्स को हल्का सा पुश करेंगे जिससे कि हमारे नेल्स और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे. और ये फाइलर जनरली हर नेल कटर में अवेलेबल होता है. तो अब इन सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद में हम अपने हाथों को मॉइस्चराइज करेंगे और मॉइस्चराइज करना बहुत ही ज़रूरी है. तो जिस तरीके से हम अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज रखते हैं, उस पर क्रीम अप्लाई करते हैं, मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हैं, उसी तरीके से हमें अपने हाथों को भी हमेशा मॉइस्चराइज रखना चाहिए जिससे कि वो फटे ना और एकदम सॉफ्ट बने रहे. अपने हाथों को मॉइस्चराइज करने के लिए आप कोई भी मॉइस्चराइजर या फिर लोशन ले सकते हो. मैं यहाँ पर निविया का लाइट सॉफ्ट मॉइस्चराइजर ले रही हूँ. अब हम एक अच्छी सी क्वांटिटी लेकर अपने हाथों पे अप्लाई करेंगे और उसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसाज करेंगे जिससे कि हमारे हाथों का ब्लड सर्कुलेशन और भी इम्प्रूव हो जाए और हमारे हाथों का कॉम्प्लेक्शन और भी ब्राइट हो जाएगा.
लास्ट स्टेप ऑफ दिस मैनिक्योर इज नेल पेंट, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। नेल पेंट अप्लाई करने से हमारे हाथ और भी ज्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव दिखते हैं। सो ये था आज का आसान सा मैनिक्योर जिसको आप घर में ही कर सकते हो बिना कोई पैसे खर्च किए हुए और घर के ही कम्फर्ट जोन में। सो आप देख सकते हो कि इसके सिर्फ एक ही यूज से मेरे हाथों पे कितना इंस्टेंट रिजल्ट आया है। सो आप इसे जरूर ट्राई करें और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करें। That's all for this video. Yes, इतना ही easy था घर पे manicure करना। I hope ये video आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप इस manicure को घर पे try करते हो तो अपने feedback comment box में छोड़ना बिल्कुल मत भूलना। आपके comments को पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि इस manicure के result आपके साथ में कैसे रहे। आप इस video को अपने friends and family के साथ में share भी कर सकते हो। So मिलते हैं आपसे next video में। Till then, bye.